पहले एक फिर दूसरा थप्पड़ और फिर गालियों की बौछार। सत्ता का रसूख जब सिर पर सवार हो तो ये हो ही जाता है। ये थप्पड़ योगी सरकार की पुलिस पर नहीं बल्कि उस सिस्टम पर हैं जो नेताओं को सत्ता के नशे में चूर होकर कानून का सरेराह माखौल उड़ाने की छूट दे रहा है। सत्ता के अहंकार में चूर भाजपा नेता की दबंगई का यह वीडियो सोशल मीडिया के जरिए प्रदेश की सुर्खी बन गया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले का है, जहां बीती रात एक वीडियो उस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तैर गया जिसमें पुलिस का इकबाल डूबता हुआ नजर आया। वायरल वीडियो भिनगा नगर के ईदगाह तिराहे का बताया जा रहा है। भिनगा पुलिस के अनुसार भाजपा श्रावस्ती के जिला कोषाध्यक्ष राजेश गुप्ता शुक्रवार रात तकरीबन 10 बजे अपनी कार से कहीं जा रहे थे, तभी ईदगाह तिराहे पर ब्रेक लगने पर उनका वाहन रुका और पीछे से आ रही स्कूटी उसमें भिड़ गई। इसी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी बीच बचाव करने पहुंचे। भाजपा नेता अपने बेटे के साथ पुलिसकर्मियों से ही भिड़ गए और उसके बाद जो कुछ कैमरे में कैद हुआ उसे तस्दीक की जरूरत नहीं थी। आरोप है कि भाजपा नेता ने सिपाही को अपशब्द कहे और इतने में जब दिल ना भरा तो सिपाही को एक के बाद दो थप्पड़ रसीद कर दिए। वीडियो वायरल होने के बाद सिपाही की तहरीर पर एक नामजद तथा एक अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। घटना को लेकर जानकारी देते हुए भिनगा सीओ संतोष कुमार ने बताया कि परसों दिनांक 8/11/2024 को कोतवाली भिनगा अंतर्गत ईदगाह तिराहे पर दो पक्ष आपस में झगड़ा कर रहे थे, जिनके बीच बचाव के लिए ड्यूटी पर तैनात सिपाही वहां से जा रहा था तो उसने बीच बचाव कोशिश की। उसमें से एक पक्ष द्वारा ड्यूटी पे तैनात सिपाही द्वारा सिपाही से मारपीट की गई और गाली गलौज किया गया, जिसमें थाना कोतवाली भिनगा में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। तत्काल उसमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसी संबंध में एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की जांच की जा रही है, जो लोग इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने राजेश गुप्ता के बेटे जयदीप गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है और वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू कर दी है। ब्यूरो न्यूज आई इंडिया। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी नजर हमारी। खबर आपकी नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।